वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त प्रांशी राठौर। इस वक्त एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से लेकर राजनीति तक की दुनिया में हर कोई दुआएं मांग रहा है, उनके चाहने वाले दुआएं मांग रहे हैं सेहत को लेकर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फेमस कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की सेहत के बारे में। स्टैंड अप कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव जो बीते कई दिनों से दिल्ली के एम्स में भर्ती है, 10 अगस्त के दिन जिम में वर्कआउट के दौरान अचानक वह ट्रेडमिल पर दौड़ते वक्त गिर गए थे। जी हां, बेहोश हो गए थे। कार्डियक अरेस्ट आया था राजू श्रीवास्तव को और उन्हें तुरंत ही दिल्ली के एम्स में एडमिट कराया गया। राजू श्रीवास्तव जो तकरीबन 59 ईयर्स के हो चुके हैं और इस वक्त वह जिंदगी से जंग लड़ रहे हैं। इस वक्त दुआएं मांगी जा रही है कि वह जल्द से जल्द ठीक हो जाए और अपने घर वापस लौट आए। लेकिन इसी बीच यहां पर तमाम राज खुल रहे हैं। राजू श्रीवास्तव के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं उनके चाहने वाले। जैसा कि हमने आपको बीती पिछली रिपोर्ट्स में बताया ही था, उनकी पत्नी शिखा श्रीवास्तव के बारे में बताया, उनकी लव स्टोरी के बारे में और साथ ही साथ उनकी बेटी अंतरा श्रीवास्तव के बारे में भी। आज हम बात करेंगे इस रिपोर्ट के जरिए राजू श्रीवास्तव के बेटे आयुष्मान श्रीवास्तव के बारे में। जिस तरीके से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ साथ राजनीति में राजू श्रीवास्तव ने अपनी अलग पहचान बना रखी है, लेकिन उनके बच्चे भी कुछ कम नहीं है। राजू श्रीवास्तव जो बीजेपी के एक नेता के तौर पर भी जाने जाते हैं, उनकी बेटी अंतरा एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर, एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के तौर पर जानी जाती हैं। और इसी के जरिए वह किस तरीके से अपनी अलग पहचान बना रही हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। लेकिन यहां पर बताना चाहेंगे उनके बेटे आयुष्मान श्रीवास्तव के बारे में। दरअसल जानकारी के लिए आपको सबसे पहले बता दें कि अपने मजाकिया अंदाज और फनी जोक से हमेशा ही आप सभी के चेहरों पर मुस्कान लाने वाले फेमस कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव, जिनका इलाज एम्स में चल रहा है और इस वक्त वह जिंदगी से जंग लड़ रहे हैं, डॉक्टर्स की कड़ी निगरानी में है। उनका हेल्थ अपडेट भी सामने आ चुका है। आपको बता दें राजू श्रीवास्तव की सेहत में अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है। पर्सनल सेक्रेटरी ने हाल ही में उनका हेल्थ अपडेट दिया है, बताया है कि उनकी सेहत में सुधार है पहले से। हम दुआ कर रहे हैं कि वह जल्द से जल्द ठीक हो जाए। आपको बता दें राजू श्रीवास्तव के दिमाग की एक नस दब चुकी है, जिसके चलते उनका दिमाग रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। इसी वजह से देखने को रहा है कि किस तरीके से राजू श्रीवास्तव इस वक्त कितने दर्द में है। लेकिन बात की जाए यहाँ पर उनके बेटे के बारे में, उनके बेटे क्या करते हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर जो देखने को मिला है, सोशल मीडिया पर नजर आया है कि आयुष्मान श्रीवास्तव एक सितार प्लेयर हैं। जी हाँ, म्यूजिशियन हैं और वह बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं कई कार्यक्रम में। आपको बता दें आयुष्मान श्रीवास्तव के बारे में उन्होंने कई अवार्ड्स भी अपने नाम किए हैं। यहाँ तक कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अपने हाथों से उन्हें अवार्ड भी दिया है। इस तरीके से सम्मानित किया जा चुका है उनके बेटे को। आयुष्मान श्रीवास्तव की तमाम तस्वीरों को शेयर करती हुई नजर आती हैं अंतरा श्रीवास्तव। योगा डे के खास मौके पर उन्होंने आयुष्मान की कुछ तस्वीरों को भी शेयर किया। उन्होंने लिखा, यहाँ पर योगा डे के बारे में सेलिब्रेट किया गया था राजभवन में और आयुष्मान ने वहां पर परफॉर्म भी किया था, सितार बजाते हुए वह नजर आए थे। इस तरीके से राजू श्रीवास्तव के बेटे ने एक सितार प्लेयर के तौर पर अपनी अलग पहचान बना रखी है। आपने देखा हमारी इस रिपोर्ट में, बहुत ही कम उम्र में राजू श्रीवास्तव के बेटे भी काफी स्ट्रगल कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल देखा जाए आयुष्मान श्रीवास्तव के बारे में ज्यादा जानकारियां सामने नहीं आई है। इस रिपोर्ट में इतना ही। हम दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द स्टैंड अप कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ठीक हो जाए और अपने घर वापस लौटे। इस रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।